हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे बन सकते हो और कितना पैसा आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर कमा सकते हो। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको NISM सीरीज 5A की एग्जाम पास करना पड़ता है। ये जो एग्जाम होती है दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हो। ये जो एग्जाम होती है इसके लिए आपको NISM सेंटर जाना पड़ता है। NISM सेंटर में एग्जाम होती है, ऑनलाइन ही ये एग्जाम होती है, 2 घंटे की एग्जाम होती है। इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और पासिंग मार्क की अगर मैं बात करूँ तो 50% पासिंग होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जो भी आंसर आपके करेक्ट होंगे उसके पूरे मार्क आपको मिलेंगे। मतलब एक मार्क के लिए एक क्वेश्चन होता है, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें सबसे बेस्ट यही है कि हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और एग्जाम में MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन इसी तरीके से रहेंगे। ये एग्जाम पास करने के बाद आपके पास में 2 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप जॉब कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन ये कि आप खुद एज ए इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो, एज ए इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। मतलब कहीं पर आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हो। आप अगर जॉब करना चाहते हो ये एग्जाम पास करने के बाद, तो सिंपल कोई भी कंपनी में आप जा सकते हो। मतलब जो ब्रोकिंग कंपनी है, जो कंपनी म्यूचुअल फंड सेल करती है, वहाँ पर जाके आप म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो। वो जो कंपनी रहेंगी, वो कंपनी के पास में म्यूचुअल फंड सेल करने का लाइसेंस होता है, जिसे ARN नंबर बोला जाता है। उसी ARN नंबर के अंडर आप आराम से एज ए एम्प्लॉई काम कर सकते हो और म्यूचुअल फंड सेल करने का वहाँ पे आप काम कर सकते हो। आप जो भी काम करोगे कंपनी आपको सैलरी देंगी और साथ ही साथ आपको कमीशन भी देंगी। तो सैलरी और कमीशन ये दोनों आपको मिलेगा अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो। बट अगर आप खुद एज ए इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करना चाहते हो, तो ये एग्जाम पास करने के बाद एक और काम आपको करना पड़ेगा। वो काम ये है कि आपको MFI मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, वहाँ जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब ARN नंबर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब म्यूचुअल फंड सेल करने का लाइसेंस आपको हासिल करना पड़ता है। उसकी कुछ फीस होती है 1700-1800 रुपये के अराउंड। वो फीस पे करके आपको ARN नंबर मिल जाता है। ARN नंबर मिलने के बाद, मतलब ARN नंबर मतलब एक प्रकार से आप ये बोलिए कि म्यूचुअल फंड सेल करने का लाइसेंस आपको मिल गया। सबसे पहले तो आपने एग्जाम पास की, एग्जाम पास करने के बाद में MFI से आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब आप एलिजिबल हो म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए। अब आप कोई भी कंपनी का म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो। मतलब अलग अलग टाइप के जो म्यूचुअल फंड है, AMC जिसे बोला जाता है, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, तो वो कंपनी के आप म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो। तो अब म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए कैसा है कि आप जो अलग अलग AMC हैं उनसे इंडिविजुअल भी आप टाई अप कर सकते हो। मतलब हर एक AMC में आप जा रहे हो, हालांकि ऑनलाइन ही टाई अप हो जाता है, बट हर एक AMC को आपको रीच आउट करना पड़ेगा और उनसे टाई अप करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए। MPanel होना पड़ता है वहाँ पे। ये एक ऑप्शन आपके पास में होता है। और दूसरा ऑप्शन होता यह है कि आप जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ में जुड़ जाओ, जैसे कि NJ वेल्थ हो गया, प्रूडेंट हो गया, उनके साथ में जुड़ कर भी आप काम कर सकते हो। तो ये जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे कि NJ वेल्थ है, प्रूडेंट है, इनके पास में क्या है कि लगभग सारे AMC के म्यूचुअल फंड इनके पास में होते हैं। मतलब ये वन रूप के अंदर सारे म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं आपको। इनके साथ में जुड़कर अगर आप काम करोगे तो आपको मतलब ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ऐसा है कि आपको बस म्यूचुअल फंड लेकर आना है, क्लाइंट का म्यूचुअल फंड लेकर आना है और उनका जो पोर्टल रहेगा वहाँ पर आपको वहाँ पर लॉगिन करके मतलब सबमिट कर देना है। तो बाकी की जो सर्विस रहती है वो प्रूडेंट के तरफ से, NJ वेल्थ के तरफ से, मतलब जो भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है उसके तरफ से क्लाइंट को मिलती है। और क्लाइंट भी वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है, अपना म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट वगैरह देख सकता है। तो मतलब थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिलता है। बट अगर आप डायरेक्ट AMC से जुड़ोगे, डायरेक्ट AMC से आपने टाई अप किया, मान लो ICICI म्यूचुअल फंड के लिए आपने ICICI से टाई अप किया, फिर HDFC में आप गए, SBI में गए, तो अलग अलग जगह पे आपको जाना पड़ेगा, उनसे टाई अप करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि आपको सर्विस नहीं मिलेगी, सारा काम आपको करना पड़ेगा। क्लाइंट को अगर कोई म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट चाहिए तो आपको प्रोवाइड करके देना पड़ेगा। हालांकि ऑनलाइन सारी चीज़ें निकल जाती है, बट क्लाइंट को अगर वो चीज़ पता नहीं है, अगर आती नहीं है, तो वो आपको ही करके देना पड़ेगा। जब आप इंडिपेंडेंटली म्यूचुअल फंड सेल करोगे तो इसमें तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका खुद का धंधा है, खुद का बिजनेस है, तो इसमें आपको कमीशन मिलेगा। तो कमीशन कितना मिलता है, अब देखिए दोस्तों, जो कमीशन मिलेगा आप मान के चलिए कि 1% के अराउंड कमीशन मिलता है। इसमें जो कमीशन मिलता है, ट्रेल कमीशन मिलता है। अपफ्रंट कमीशन पहले मिलता था, बट अब वो बंद हो गया, अभी सिर्फ ट्रेल कमीशन मिलता है। ट्रेल कमीशन मतलब जितना भी आपका AUM रहेगा, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, उसका 1% सालाना आपको कमीशन मिलता है। बट जॉब में भी कमीशन मिलता है, जॉब में सैलरी प्लस कमीशन मिलेगी, बट जॉब में जो कमीशन मिलता है
और इंडिपेंडेंटली अगर आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहे हो तो वो जो कमीशन रहेगा वो 10 गुना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जॉब में तो आपको सिर्फ मतलब जॉब में आप कितना कमाओगे, जो सैलरी है 20,000, 25,000, 30,000 उससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते। बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड भी आप सेल कर रहे हो तो ठीक है आपको कमीशन भी मिलेगा, 50,000 कमा लोगे, बट एज ए इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। क्योंकि अगर मैं कमीशन की बात करूँ, अगर मैं मान लो अगर आपको एज ए इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप बने, वहाँ पे आपको कमीशन अगर 100 रुपये मिल रहा है तो अगर आप जॉब में रहोगे तो वही कमीशन आपको 10 रुपये मिलेगा, तो 10 गुने का कहीं ना कहीं फ़र्क आता ही है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट ही आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करना चाहिए, आप जॉब में भी जा सकते हो। मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि जब आप शुरुआत कर रहे हो, फ्रेशर हो, तो शुरुआत आप जॉब से करो, क्योंकि जॉब में रहोगे तो कंपनी आपके पीछे रहेंगी, कंपनी आपको सारी चीज़ें सिखाएंगी बताएंगी, तो एक आध साल के बाद फिर आप एज ए मतलब इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के भी काम कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास में रहते हैं, शुरुआत आप जॉब से करो, बाद में आप खुद का भी ये बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों स्कोप की अगर बात करें तो इसमें स्कोप बहुत है, क्योंकि आज के तारीख में हार्डली 10% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 90% लोगों का इन्वेस्टमेंट अभी भी आना बाकी है। बट अब लोग धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं और धीरे धीरे लोगों का पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है, तो म्यूचुअल फंड में अब जो पैसा आ रहा है पहले के मुकाबले ज़्यादा आ रहा है, मतलब लोग अब समझ रहे हैं। पहले लोग क्या है कि सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते थे, बैंक FD में इन्वेस्ट कर देते थे, गोल्ड में लगा दिए, अब लोगों को समझ रहा है कि बैंक FD में रिटर्न नहीं मिल रहा है, 5% के अराउंड रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी में भी वैसे रिटर्न नहीं मिलते हैं, गोल्ड में रिटर्न नहीं है, तो अब उनके लिए कहीं ना कहीं उन्हें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। अब उनको समझ रहा है कि स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड यहाँ पर पैसा बनने वाला है, और हम देख रहे हैं अभी तक की हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट ने 15-17% का एवरेज रिटर्न दिया है। स्टॉक मार्केट जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें म्यूचुअल फंड भी आ रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगता है, तो धीरे धीरे लोगों का पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है। तो ये जो लोग आएंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो इन लोगों को लेकर आ सकते हो आप। अगर इन लोगों को लेकर आओगे तो कमीशन आपको मिलेगा, तो मतलब मार्केट बहुत बड़ा ओपन है, बहुत सारे लोगों का पैसा अभी आना बाकी है, तो स्कोप बहुत है इस इंडस्ट्री में। बट दोस्तों इसमें बहुत बड़ा चैलेंज भी है, चैलेंज ये आज के तारीख में चैलेंज ये है कि अभी क्या है कि बहुत सारी कंपनियां आ गई है, वो कंपनी अपना ऑनलाइन ऐप बनाकर म्यूचुअल फंड सेल कर रही है, मतलब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेल कर रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ज़ीरोधा कॉइन है, ग्रो है, तो ये क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में दो प्लान होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान, दूसरा होता है रेगुलर प्लान। जब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, म्यूचुअल फंड एजेंट जो होता है, जब वो प्लान बेचता है तो वो रेगुलर प्लान हमेशा बेचता है, क्योंकि रेगुलर प्लान में ही उसे कमीशन मिलता है, डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन नहीं होता है। बट ये जो कंपनियां है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अगर डायरेक्ट प्लान सेल करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, इसमें कोई भी एजेंट नहीं होता है, तो इसमें क्या है कि जो इन्वेस्टर है उसको कमीशन देना नहीं पड़ता है, इन्वेस्टर के पैसे बच जाते हैं, कमीशन में जाने वाले जो पैसे हैं वो बच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। आज की तारीख में मैक्सिमम लोग ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये डायरेक्ट प्लान है, इसमें कमीशन कम है, कॉस्टिंग कम है, तो उनके उतने ही पैसे बच जाते हैं, उतने ही पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं म्यूचुअल फंड में, और फिर वो रिटर्न में रिफ्लेक्ट होता है, रिटर्न उन्हें ज़्यादा बनता है। तो अगर हम कंपेयर करके भी देखें, एक ही म्यूचुअल फंड है, एक ही स्कीम है, एक बंदे ने डायरेक्ट प्लान में पैसे डाल दिया, दूसरे बंदे ने रेगुलर प्लान में पैसे डाल दिया, तो लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं 10 साल के बाद 15 साल के बाद 20 साल के बाद, तो जिसने डायरेक्ट प्लान में पैसे डाला उसके पैसे ज़्यादा बनते हैं, रेगुलर प्लान के पैसे कम बनते। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लान वाले ने जो डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उसको भी तो कुछ कमीशन दिया है, रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें से उसे भी कमीशन जाता है। तो ये होता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री में, इनसे आपको लड़ना पड़ेगा, आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि ये जो ऐप है ये तो ठीक है, बट अगर आप हमसे म्यूचुअल फंड लोगे तो हम आपको समय समय पर सर्विस देंगे, पूरा गाइडेंस देंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट ले लेना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ों का अपडेट समय समय पर हम आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी मतलब आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड का पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, क्लाइंट को आप पे भरोसा होना चाहिए, तभी क्लाइंट आपके साथ में आएगा, वरना क्लाइंट के पास में आज के तारीख में ऑप्शन बहुत है, ऑनलाइन ऑप्शन है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन खरीद भी रहे हैं। तो ये चैलेंज है, ये चैलेंज से आपको जरूर लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोग लड़ भी रहे और कर रहे हैं, काफ़ी लोग एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई कैसे होती है। तो कमाई सिंपल है, जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड सेल करेगा, वो चाहे लमसम म्यूचुअल फंड बेच रहा हो या फिर SIP के जरिए म्यूचुअल फंड बेच रहा हो, तो जो भी AUM असेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब जितना पैसा उसने इन्वेस्टर से लेकर आया है, वो टोटल पैसे का 1% उसे कमीशन मिलता है सालाना। मान लो इस साल उसका AUM टोटल जो पैसा आया है वो 1 करोड़ रुपये आया, तो उसे 1 लाख रुपए का कमीशन मिलेगा। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 1 लाख मिलेगा ऐसा नहीं है, अप्रॉक्स ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड डिफर करता है।
बट आप ये मान के चलिए AUM का 1% तक कमीशन मिलता है। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस एग्जांपल में आप देखिए, आपने मान लो 10,000 रुपये की SIP कोई बंदे की करवाई, अब उस बंदे को 15% सालाना रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलेगा, ठीक है। अब 10,000 रुपये उसके हर महीने आएंगे, अब 10,000 रुपये हर महीने आ रहे हैं तो एक साल के बाद में उसका कितना पैसा बन जाएगा, 10,000 रुपये करके 120,000 तो वो खुद देंगे और 15% का रिटर्न भी तो उसे मिल रहा है, तो उसका जो पैसा बनेगा एक साल के बाद वो बनेगा 129,750 रुपये। ये टोटल AUM हो गया। अब इस टोटल AUM का 1% आपको कमीशन मिलेगा जो कि होता है 1,257 रुपये। ये एक साल मतलब ये कमीशन आपको मिलेगा। अब ये ईयरली कमीशन हो गया, बट इसको डिवाइड बाय 12 करके आपको मिलता है, मतलब मंथली आपको कमीशन मिलेगा। मतलब 1,297 डिवाइड बाय 12 अगर करेंगे तो 100 रुपये के आसपास आपको हर महीने का कमीशन ये हो गया। मतलब ये तो सिर्फ आप देखिए, आप किसी का भी आप इन्वेस्टमेंट करवाओगे तो सिर्फ 10,000 रुपये की SIP थोड़ी करवाओगे और एक ही बंदे का थोड़ी करवाओगे। आपने मान लो 10,000 रुपये की SIP 100 बंदों की करवा ली, 10,000 रुपये की SIP आपने 100 बंदों की करा ली, मतलब टोटल SIP कितना आएगा हर महीने, 10,00,000 रुपये। मान लो 10,00,000 रुपये का SIP का अमाउंट हर महीने आपके द्वारा इन्वेस्ट हो रहा है और 15% का रिटर्न सबको मिलेगा, तो उस हिसाब से देख रहे हैं कि पहले साल में जो आपका पैसा बनेगा वो पहले साल में आपका जो पैसा मतलब जो टोटल AUM बनेगा वो बनेगा 1,29,75,000 रुपये और आपका जो कमीशन बनेगा वो बनेगा 1,29,750 रुपये। ये सालाना आपका कमीशन हो गया। बट जब सेकंड ईयर में आपने मान लो सिर्फ इतना करके छोड़ दिया, आपने 100 बंदे ढूंढे, 100 के 100 बंदों की आपने 10,000 रुपये की SIP की, तो हर महीने जो SIP का अमाउंट आ रहा है वो 10,00,000 रुपये का आ रहा है। तो ये पहले साल में इतना हुआ, आपने फिर उसके बाद में काम छोड़ दिया म्यूचुअल फंड का मान लो, और सेकंड ईयर में ये पैसा देखिए डबल हो जाएगा, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये की जो उसकी SIP आ रही है वो सिर्फ एक साल तक थोड़ी आ रही है, सेकंड ईयर भी तो आएंगी। जब सेकंड ईयर भी 10,000 रुपये की SIP 100 बंदों के द्वारा आएंगी तो टोटल AUM आपका बढ़कर हो जाएगा 2,78,96,250 रुपये, क्योंकि इसमें उनका इन्वेस्टमेंट भी आया है और साथ ही साथ 15% से उनका पैसा ग्रो भी हो रहा है। तो इस केस में आपको जो कमीशन मिलेगा वो 2,78,962 रुपये मिलेगा एक साल का कमीशन। थर्ड ईयर में हम आते हैं तो फिर AUM बढ़ जाता है, वो 4,50,00,000 के ऊपर चला जाता है, तो आपका कमीशन 4,50,000 के ऊपर चला जाता है एक साल का। फोर्थ ईयर में हम जब आते हैं तो 6,47,00,000 के ऊपर आपका AUM चला जाता है और कमीशन आपका 6,50,000 रुपये के करीब करीब बन रहा है। पाँचवें साल में जब हम आते हैं तो 8,74,00,000 के ऊपर आपका AUM जाता है और आपका कमीशन 8,74,000 के ऊपर बनता है। तो आप देख रहे हो, आपने अगर एक बार म्यूचुअल फंड में 4-5 साल मतलब 2-3 साल भी अगर अच्छे से मेहनत कर ली, 100-200 लोगों को आपने जोड़ लिया, आपने अगर अपना AUM 5,00,000 रुपये के ऊपर बना लिया तो आराम से आप मतलब 50,000 रुपये महीने का तो कमा सकते हो। 6,00,000 रुपये अगर आप सालाना कमा रहे हो तो 50,000 रुपये महीने का होता है, तो 50-60,000 रुपये अगर आपको महीने का अगर म्यूचुअल फंड से कमाना है तो टोटल AUM आपको मतलब मान के चलिए कि 5-6 करोड़ रुपये का खड़ा करना पड़ेगा। 5-6 करोड़ रुपये का आपने AUM अगर खड़ा कर दिया तो आप आराम से 50-60,000 रुपये महीना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के इंडिपेंडेंटली कमा सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।